राजस्थान में ये तीन आर करेंगे बीजेपी का काम खराब। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगाए हुए। बीजेपी जहां 400 पार का नारा लगा रही है, वही कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। इस बीच राजस्थान ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया। बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य में राजस्थान रुकावट पैदा कर सकता है। राजस्थान में मौजूदा चुनावी माहौल को देखें तो राजस्थान में राजपूत रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोत यानी कि ये तीन RRR बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। राजस्थान में पिछले दो लोकसभा चुनावों में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। इस बार अपने 400 प्लस का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी को राजस्थान से बड़ी उम्मीदें हैं, पर वहां अचानक चिंता का कारण बन गए तीन आर, जिनके कारण मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने का लक्ष्य लेकर चल रही पार्टी अचानक घिरती नजर आ रही है। क्या राजस्थान में बीजेपी का काम खराब करेंगे ये RRR? मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना तोड़ेंगे तीन आर? 400 प्लस का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी को राजस्थान से बड़ी उम्मीद। राजपूत रविंदर भाटी और राजकुमार रोत क्या बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेला? RRR ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। दक्षिण राजस्थान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरी BAP। लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। राजस्थान में राजपूत रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोत यानी RRR ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। बीजेपी के 400 पार के नारे को गति राजस्थान जैसे राज्य में क्लीन स्वीप से ही मिल सकती थी, पर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस राह में कांटे ही कांटे पैदा हो रहे। बाड़मेर में छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी ने और बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने अपने नामांकन के दिन जो भीड़ जुटाई है, उससे बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर और बांसवाड़ा में है तो संख्या में केवल 2 सीटों पर इनका प्रभाव कई सीटों पर पड़ सकता है। बीजेपी इन दोनों सीटों को जितना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगी, उतना ही इसका प्रभाव दूसरी सीटों पर पड़ने की आशंका है। 2023 के विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में 3 सीटें जीतकर BAP ने पहले ही बीजेपी के लिए खतरे के संकेत दे दिए थे। अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में BAP ने 3 सीटें आसपुर, चौरासी और धरियावत जीतकर दक्षिणी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरी। अब लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है।